हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, तो बिना देर की चले स्टार्ट कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ बायोटिक के लिप बाम की। बायोटिक के बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं, जिसमें से फेस सीरम, मॉर्निंग नेक्टर सीरम एंड ये लिप बाम मेरा बहुत फेवरेट होने वाला, बिकॉज इसको मैं वन एंड हाफ मंथ से यूज़ कर रही हूँ। एंड सीरम भी मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ किया, बहुत अच्छा है, बहुत लाइट वेटेड होता है। उसका रिव्यू भी मैंने शेयर किया है, लिंक कर दूंगी तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस लिप बाम की। ये लिप बाम मैंने अभी बर्थडे शॉपिंग की थी, तभी मैंने शेयर किया था। 1.5 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। पैकेजिंग की बात करें तो कुछ इस तरीके की, बायोटिक के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनका कार्डबोर्ड पैकेजिंग इस टाइप से ग्रीन और येलो के कॉम्बिनेशन में इस तरीके का होता है। बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायोफ्रूट वाइटनिंग लिप बाम लाइटन्स एंड इवन आउट लिप टोन्स। तो इसमें जो क्लेम करते हैं वाइटनिंग लिप बाम, तो ये इसका तो मुझे श्योर था कि लिप बाम में अगर 175, 200, 500 तक का जो भी लिप बाम अभी तक मैंने यूज़ किया, वो 500 या 700 तक के लिप बाम मैंने यूज़ किए हैं, जिसमें लाइटनिंग इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं होता। मतलब आपके लिप्स को लाइटन नहीं करता है, बट टेक्स्चर को इम्प्रूव करता है। और टेक्स्चर अगर आपके लिप्स ड्राई नहीं होंगे, पैची नहीं होंगे, तो उनका जो नेचुरल कलर होगा वो एटलीस्ट रहेगा। तो मुझे बस जो मेरा नेचुरल कलर है वही चाहिए था। मुझे ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं था इसको परचेज़ करने से पहले कि मेरे लिप्स वाइट हो जाएंगे या लाइट हो जाएंगे या पिंक हो जाएंगे, जैसे कि किसी वीडियो में, पिक्चर में या किसी एड में क्लेम करते हैं। तो मैं इसके बारे में श्योर थी कि ये लिप्स को लाइट नहीं करेगा जो टोन है। बस मुझे कुछ ऐसा चाहिए था। नॉर्मली मैं अभी न्यूट्रीजीना का यूज़ कर रही थी, मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि जो लॉन्ग टाइम तक मॉइस्चराइज़ करके रखे आपके लिप्स को, बार बार रीअप्लाई ना करना पड़े, क्योंकि लिप बाम बार बार अप्लाई करने में भी मुझे थोड़ा आलस आता है। तो विंटर्स में मैं अपना स्किन केयर रूटीन जो है चेंज करती हूँ, बहुत अच्छा डीप हाइड्रेशन वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। लिप बाम के लिए भी सेम है, शैम्पू वगैरह सब कुछ मैं चेंज करती हूँ, बिकॉज समर्स में आपकी स्किन डिफरेंट रिएक्ट करती है और विंटर्स में ड्राइनेस, जिसकी स्किन ड्राई है उसकी सुपर ड्राई हो जाती, तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। तो इसलिए मुझे लिप बाम भी चेंज करना था, तो मैंने कहा इसको एक ट्राई दे के देखते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये, इसका जो एक्सपेक्टेशन थी मेरी वो इसने फुलफिल की। ये लिप्स को बहुत टाइम तक मॉइस्चराइज़ करके, एटलीस्ट 5 to 6 hours तक मॉइस्चराइज़ करके रखता, तो मुझे दिन में 2 बार मैं अप्लाई करती हूँ और रात को सोते टाइम 1 बार अप्लाई करती हूँ। 24 hours में 3 times मैं इसको अप्लाई करती हूँ। प्लस अगर कलर की बात करें तो ये हल्का सा, अगर आपने लिपस्टिक वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, लिपस्टिक के बाद तो नहीं लगाते, लिपस्टिक से पहले ही अप्लाई करते हैं इसको, तो आपके लिप्स को हल्का सा टिंट देता, बहुत नेचुरल सा। अगर आप लिपस्टिक या कोई और ग्लॉस नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया न्यूट्रीजीना का मैं यूज़ कर रही थी, वो बिल्कुल वाइट होता, बिल्कुल भी टिंट नहीं होता है। तो उससे बेटर है कि आप इसको, वो भी काफ़ी अच्छा होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आप टिंटेड चाहते हैं और वो भी नेचुरल टोन में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ निविया या लैक्मे का, तो उसका जो कलर होता है वो बहुत डार्क हो जाता है आपके लिप्स पे, बहुत ऐसा लगता है कि आपने लिपस्टिक अप्लाई किया है या कोई डार्क ग्लॉस। अगर आप चाहते बिल्कुल नेचुरल सा दिखे तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरा बहुत फेवरेट है। देख लेते हैं, अगर प्राइसिंग की बात करें तो इसमें MRP 175 है एंड 145 समथिंग ये मुझे मिला था। इसको मैंने नायका से परचेज़ किया था। ये आपको नायका, पर्पल, अमेजोन या मेडिकल स्टोर पे, मेडिकल शॉप पे भी ईजिली कहीं भी मिल जाएगा। एंड इसकी जो सेल्फ लाइफ है 3 ईयर है। अगर आप 3 ईयर अगर इसको पैक्ड रखते हैं तो 3 ईयर, अदरवाइज जब ओपन करके आप यूज़ करने लगते हैं तो 1.5 ईयर या 1 ईयर में आप इसको यूज़ कर लें तो बेटर होगा। बायोटिक के सारे ही प्रोडक्ट 100% बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट से बनाए जाते हैं, उसमें कोई भी हार्श केमिकल का यूज़ नहीं होता, आयुर्वेदिक होते हैं, आप इसमें देख सकते हैं। और सबसे बेस्ट होगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते तो एक बार उसको परचेज़ करके, बिकॉज़ कोई भी वीडियो या कोई भी ब्रांड क्या क्लेम करता है उसका क्या एक्चुअल रिजल्ट आपके स्किन पे होगा, वो जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे तब तक आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। अगर कोई भी प्रोडक्ट की सही सच्चाई जाननी है तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि वीडियोज़ में लोग कुछ भी बोल देते हैं या ब्रांड कुछ भी क्लेम कर देता है, उसका एग्जैक्ट रिज़ल्ट अगर आपको चाहिए तो आपको यूज़ करना पड़ेगा।
बट ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। ब्रांड का सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, कुछ इफ़ेक्टिव रहे, कुछ का कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, बट साइड इफ़ेक्ट किसी का नहीं हुआ। तो अब बात कर लेते हैं इसकी इनर पैकेजिंग की। कुछ इस तरीके का प्लास्टिक का जार मिल जाता है, टब मिल जाता है, क्यूट सा। तो ओपन करके देख लेते हैं। इस पे आपको एक लेड मिलता है जो मैंने रिमूव कर दिया, एंड इस तरीके का ये रेड कलर दिख रहा, बट ये जब आप लिप्स पे अप्लाई करेंगे, यहाँ के स्किन पे मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं ऐसे ही लिप्स पे हल्की सी साइन देता और बहुत लाइट सा टिंट, और ये बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करके रखता है। अगर आपके लिप्स बहुत ड्राई चैपी होते हैं विंटर्स में तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मस्ट ट्राई है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली से, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।